जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो अंक की संख्या है, उसका इकाई अंक सेम है, तो किस तरह से आप देखते देखते उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं हेडिंग दिया हूँ कि किसी दो अंक के संख्या का इकाई अंक एक ही होने पर गुणा का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर दो अंक की संख्या है और देखिएगा सबका इकाई अंक जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ उस सबका इकाई अंक जो है एक सेम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा मल्टीप्लाई जब भी आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देख लीजिए किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इकाई अंक पर काम करेंगे, मींस यूनिट डिजिट पर काम करेंगे। तो यूनिट डिजिट में क्या है भाई, तो यूनिट डिजिट में इसका क्या है, पहला वाला का सात है, तो सात और सात में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सात सत्ते उनचास, तो उनचास का यहाँ नौ लिख दीजिएगा, हासिल आपका हो गया आपका चार। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स इन इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, तो सात दुनी का चौदह, आइए सात एकम सात, तो चौदह आ फिर इन दोनों को सात दुनी चौदह आ सात एकम सात आ दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, मीन्स इसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए सात दुनी चौदह आ सात एकम सात, तो ये चौदह सात इक्कीस आ यहाँ से हासिल बचा है चार, तो इक्कीस और चार को ऐड करिएगा तो पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस का पाँच हासिल आ गया आपका दो। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अब दहाई अंक पर चलते हैं, तो दहाई अंक में दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दो एकम दो आ हासिल इसमें का दो, तो दो आ दो चार, मीन्स फाइनली आपका आंसर हो गया 459, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, सॉरी इसको। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी इसी बेस पर है, इसी तर्ज पर दूसरा एग्जाम्पल को जब आप बनाते हैं तो देखिए क्या आएगा, सॉरी यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल में ये है 35 गुणे पचहत्तर, तो 35 गुणे पचहत्तर का मल्टीप्लाई इसी तर्ज पर करिएगा, तो देखिए 5 और 5 का गुणा करिएगा इकाई अंक का, तो 50 25, 25 का 5 हासिल हो गया आपका 2, 25 का 5 हासिल 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 5 3 15 और 7 5 35, 15 और 35 को जब आप 15 और 35 को ऐड करते हैं, मीन्स यहाँ ऐड कर देना है, तो 15 35 ऐड करिएगा तो 50 आ जाएगा, 50 और 2 हासिल, तो 50 2 52, 52 का 2 हासिल आ गया आपका 5। ठीक है, और लास्ट स्टेप इसका दहाई अंक वाला काम करिएगा, तो 70 का 21 इसमें गुणा कर देना है, 70 का 21 और हासिल यहाँ से 5, तो 21 और 5 जो है आपका 26 होता है, मीन्स दैट मीन्स आंसर फॉर यू, यानी इतना इसका रिजल्ट हो गया। फाइनली तीसरा एग्जाम्पल जो मैं दिया हूँ वह है 49 गुणे 99, तो 49 गुणे 99 को भी आप उसी तर्ज पर बनाइएगा तो कितना होगा, इकाई अंक पर पहले काम कीजिए यूनिट डिजिट पर, तो यूनिट डिजिट में क्या है भाई, तो यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 99 81 81 का यहाँ हम 1 लिख देंगे। ठीक है, कैरी हो गया आपका अर्थात हासिल हो गया आपका 8। ठीक, अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 और 9 का और 9 9 का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, फिर इसको क्या करिए ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 4 नवा ये हो जाएगा 9 4 36, ये 36 हो गया, आना 9 81, तो 9 4 36, ये 9 4 36 आना 9 81, अब 36 आ 81 जब आप ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए 36 आ 81, तो 36 81 ये 7 हो गया, आ ये हो गया, आ ये हो गया 8 3 11 117 ये आ गया, हासिल इसमें का 8 आया है, हासिल इसमें का 8 आया है, तो 8 हासिल और 117 8 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 117 और 8 हो जाएगा आपका 25, 125, तो 125 का यहाँ लिख दीजिए 5, हासिल हो गया आपका 12, हासिल 12 हो गया। अब आइए फाइनली स्टेप में 4 और 9 का गुणा कर दीजिए दहाई अंक वाला, तो 9 4 36 आ यहाँ से 12, 9 4 36 12, 36 12 48, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 48, फाइनली आपका आंसर ये रहा। ठीक है, हमको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मींस इसको फाइनली आप क्या कर सकते हैं, यानी इकाई अंक का पहले काम करेंगे, इसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और फिर दहाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वहीं आपका रिजल्ट होगा। ये सब जितना भी इधर मैं लिखा हूँ ये कैरी है, इसको पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ये ठीक, ये आपका ये सब रिजल्ट है, यानी पहला का इतना आ गया, दूसरा का ये और तीसरा का ये। ठीक है,